मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इन दिनों शादी का सीजन शुरू हो गया है और यदि आपके घर पर भी शादी है तो आप दुल्हन को शादी से पहले मेहंदी तो लगाते हैं। वह मेहंदी इसलिए लगाई जाती है कि दुल्हन के दिल में जो शादी को लेकर घबराहट होती है मेहंदी उसको शांत करती है। तो वही दूसरा मेहंदी का एक कारण यह भी शास्त्रों में माना गया है कि मेहंदी शगुन के लिए सबसे प्रिय है। तो वही मेहंदी को औषधीय रूप से भी लगाया जाता है। शादी से पहले दुल्हन को मेहंदी लगाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसे समय से सावधानी भी रखना चाहिए। यदि दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है तो दुल्हन उस मंडप उस घर पर ही रहे जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए। जब पंडित शैलेंद्र मुखिया से लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले दुल्हन को मेहंदी लगाने का एक विशेष महत्व है। मेहंदी दुल्हन के अंदर होने वाले घबराहट को दूर करने के लिए लगाई जाती है। मेहंदी को औषधीय रूप भी कहा गया है। मेहंदी जितनी गहरी दुल्हन के हाथ पर लगती है उससे यह माना जाता है कि उसे उसका पति भी उतना ही प्रेम करने वाला मिला है। मेहंदी लगाते समय विशेष रूप से सावधानियां भी रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही मेहंदी लगाई जाए। मेहंदी जिस स्थान पर लगाई जाए वह स्थान स्वच्छ एवं सुंदर हो और जिस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा हो उस स्थान पर मेहंदी लगी हुई दुल्हन को जाने से बचना चाहिए। यदि हिंदू संस्कृति के शास्त्रों की बात करें तो इन शास्त्रों में भी शादी से पहले मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। दुल्हन को मेहंदी इसलिए लगाई जाती है कि मेहंदी जो है शुभ का प्रतीक है। दुल्हन जब शादी के लिए जाती है तो उसमें जो घबराहट होती है तो मन और दिमाग को शांत रखने के लिए भी मेहंदी का उपयोग किया जाता है। और मेहंदी जब लगती है तो उसको एक आयुर्वेदिक औषधि भी कहा गया है। और एक तात्पर्य यह होता है कि दुल्हन को अगर मेहंदी लगी है और मेहंदी का रंग अच्छा खिला होता है और गाढ़ा होता है तो उसका दाम्पत्य जीवन पति प्रेम करने वाला ऐसा मानते हैं कि मेहंदी का कलर अगर गाढ़ा हो जाता है लड़की के हाथ में तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। और क्या सावधानी बरतना चाहिए मेहंदी लगे तो? मेहंदी लगे तो शुभ मुहूर्त में ही मेहंदी लगाए। जैसे राहु काल हो, रोग हो, उद्वेग हो, इस मुहूर्त में कभी भी मेहंदी दुल्हन को नहीं लगनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में अमृत योग में मेहंदी लगाए।